अच्छा गुरु जी, ये संदीप हैं दिल्ली से, और ये विज्ञान भैरव और घेरंड संहिता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इसे कैसे पढ़ सकते हैं। ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। घेरंड संहिता जो है वो शिव पुराण का भाग है। शिव पुराण में अलग अलग संहिताएं हैं। संहिता का मतलब होता है कलेक्शन, सूत्रों का, मंत्रों का कलेक्शन। तो घेरंड संहिता कुछ मंत्रों का कलेक्शन है, वो शिव पुराण का एक अंग है। और घेरंड संहिता में विशेष रूप से हठ योग के सूत्र दिए हुए हैं। आजकल हठ योग ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो घेरंड संहिता में इसके हठ योग के सारे सूत्र मिल जाएंगे। इसको गोरखपंथियों ने भी लिया, इसको योग वालों ने भी लिया। तो ये हठ, जब हम शिव पुराण लाएंगे तो शिव पुराण का एक हिस्सा जो है जिसमें हठ योग का वर्णन ज़्यादा है, और इसके साथ दूसरी चीज़ें मिली हुई हैं, वो आपको घेरंड संहिता में मिलेंगी। और आपके पास जो विज्ञान भैरव है, वो विज्ञान भैरव तंत्र है, वो तांत्रिक साहित्य है, शैव साहित्य नहीं है। वो तंत्रों पर हमने विचार नहीं किया, क्योंकि तंत्र साहित्य है भी बहुत लंबा, और तंत्र साहित्य में कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जिसमें जादू टोने ऐसी फरा जो चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए वो विज्ञान भैरव बिल्कुल अलग हो जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र है। वैसे तो तंत्र भी शिव के ही मुख से निकले हैं, लेकिन ये पौराणिक शिव का हिस्सा नहीं है। ये शिव के जो दूसरे आगम हैं, उन आगमों में से एक आगम है भैरव। तो दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं, और दोनों को पढ़ने के लिए कोई बात नहीं, दोनों संस्कृत में हैं। अभी हम बता रहे थे उसमें एक चीज़ रह गई थी, महायानियों का बहुत सारा साहित्य जो है संस्कृत में रचना हुई है। हीनयानियों ने अपने पुराने साहित्य की पाली में ही रचना की है, तो महायान को समझना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि संस्कृत में है। हीनयानों के साहित्य को समझने में दिक्कत पड़ती है क्योंकि पाली को, जो पाली जानता है वही पढ़े। तो ये दोनों जो हैं, विज्ञान भैरव भी संस्कृत में है, और ये शिव संहिता तो आजकल शिव शिव पुराण का पाठ सावन में चल रहा है, हर जगह चलता है शिव पुराण। सावन महीना बहुत, तो जगह 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 सावन, तो सावन में जहाँ शिव पुराण का पाठ हो रहा होगा उसमें एक हिस्सा आएगा घेरंड संहिता का। तो आप जब किसी भी मंदिर में जा कर के वहाँ चल रहा हो, तो जब उस पर आएँ, घेरंड संहिता पर आएँ, तो वो पाठ में आप सुन लें। ये पूरा पूरा शिव पुराण सुन लो, बहुत अच्छी बात है, बड़ा फल मिलेगा। लेकिन घेरंड संहिता वाले में पहुँच जाओगे तो आपको लगेगा ये हठ योग सारा का सारा वहीं से निकल के आया है, वहाँ से निकाल करके फिर इसको संग्रहित करके अलग से एक बना दिया है। इसी तरह से आप विज्ञान भैरव जब तंत्र पढ़ेंगे, तो उस तंत्र में दो चार जगह जहाँ बीज मंत्र आएंगे, अंग कंग टंग टंग लंग, इस तरह से, उनको समझने के लिए तो कोई तांत्रिक जो तंत्र का ज्ञाता हो वही उस बीज मंत्र का नाम समझाएगा। बाकी सारा जो तंत्र है वो आप संस्कृत में आसानी से किसी संस्कृत वाले के साथ बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ेगी। कोई दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और दोनों को आप संस्कृत के माध्यम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। कोई तंत्र मिल जाएंगे तांत्रिक, शिव पुराण की तो कथा जगह जगह पंडित कर रहे हैं, वहाँ तो आपको कोई इस विज्ञान भैरव में अगर कोई मिल जाएगा तंत्र का ज्ञाता तो आपको बता देगा, नहीं मिलेगा तो कोई कठिनाई उसमें, आप पढ़ना शुरू करो उसको विज्ञान भैरव को, और जब कोई कठिनाई आए तो आप यहाँ हमारे विकास जी को कह देना, ये विकास जी के पास सब तालों की चाबी है, इनके पास जितने भी ताले हैं ये सब की चाबी रखते हैं, तो इसलिए ये उसके चाबी से खोल देंगे।